नमस्कार, ब्राउन शुगर नशा के इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ब्राउन शुगर नशा को छोड़ने के लिए हम कई वीडियो लाए हैं, पर आप है कि एक वीडियो देखकर चले जाते हैं। आप एक वीडियो देखकर चले जाते हैं। ब्राउन शुगर नशा को छोड़ने के लिए हम आज कई एपिसोड लाएंगे। आज से हमारे चैनल पर ब्राउन शुगर छोड़ने के लिए कई एपिसोड लाएंगे। ब्राउन शुगर जो दुनिया का सबसे खतरनाक नशा में से एक है, उस नशा को छोड़ने के लिए हम फ्री में एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। ऐसी वीडियो जो ब्राउन शुगर को छोड़ने में आपको अहम भूमिका योगदान करे, ऐसा ही वीडियो हम ब्राउन शुगर को छोड़ने के लिए आपके लिए लाता रहूंगा, लाऊंगा। बस आपसे एक ही आग्रह है कि आप जैसे कई लोग इस नशे का शिकार हो जाते हैं गलती से, तो आप इस नशा से कैसे बाहर निकलें, कब बाहर निकलें और कितना जल्दी बाहर निकलें, इसी के बारे में तो हम बताते हैं। करना तो आपको है। हमारे चैनल पर कई लोग आए जिन्होंने हमें ईमेल किया कि ब्राउन शुगर तो बिना नशा मुक्ति केंद्र जाकर छूट ही नहीं सकता है। जब मैंने उसे बताया और उसने कोशिश किया तो उसने छोड़ दिया। दोस्तों, मुझे पता है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो ब्राउन शुगर नशा का आप शिकार होंगे या तो आपके कोई परिवार के लोग इस नशे का शिकार अवश्य होंगे, तभी आप हमारे चैनल पर आए हैं। दोस्तों, ब्राउन शुगर नशा को क्या नहीं हम छोड़ सकते हैं? क्या हम नहीं छोड़ सकते हैं ब्राउन शुगर नशा को? हम ब्राउन शुगर नशा को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? दोस्तों, ब्राउन शुगर नशा को आप डिफिनिट और आसानी से छोड़ सकते हैं। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप कैसे छोड़ सकते हैं। एक हाथी का बच्चा जिसे हमने पकड़ के लाया जंगल से, जब उस हाथी के बच्चे को मैं एक रस्सी से बांध दिया, हाथी के बच्चे का पैर को बांध कर रखा, पाला पोसा खिलाया, धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता चला गया। वह बड़ा हुआ, वह हाथी का बच्चा बड़ा हुआ,
मैंने उस छोटी सी रस्सी, पतली वाली रस्सी को मोटी रस्सी में बदल दिया। और मैं बांध देता था वो हाथी का बच्चा जो छोटा था, आज बड़ा हो चुका है। अब आप मुझे बताएं कि क्या हुआ, हाथी उस रस्सी के टुकड़े नहीं कर सकता? क्या हाथी के बच्चे जो था, जो बड़ा हो गया, वह हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता? अब वह रस्सी को नहीं तोड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत कोशिश किया उसे तोड़ने का, पर नहीं तोड़ पाया। उसे लगा कि मैं अब इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। उसका दिमाग वैसे ही कन्वर्ट हो गया कि वह अब रस्सी को नहीं तोड़ सकता। उसी तरह ब्राउन शुगर पीने वाले लोग के दिमाग में यह घुस गया है, वह जैसे छोड़ेगा वैसे उसे तेज बुखार, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, मांसपेशी दर्द, हड्डी दर्द, सौल बीमारी शरीर में आ जाएगा। वह कैसे छोड़ेगा, वह कैसे छोड़ेगा? शुरुआत का 5 दिन 6 दिन इतना दर्द होगा, वो सोचेगा आगे भी ऐसा ही दर्द होते रहेगा, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। पर दोस्तों, आप परेशान नहीं हो, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आपका दिमाग उसमें कन्वर्ट हो चुका है कि आप इस नशा को नहीं छोड़ सकते हैं। ब्राउन शुगर पीने वाले लोग कहते हैं कि हमारे नस को यह चाहिए, नस मांगता है, नस ब्राउन शुगर को मांगता है। बात भी सही है, यह ब्राउन शुगर जब हमारे शरीर में प्रतिदिन मिलने लगे तो हमारा शरीर खोजता है, ढूंढता है। हमारा दिमाग कहता है कि अब नहीं करेंगे, पर शरीर नहीं मानता है। शरीर कहता मुझे चाहिए, चाहे जहां से लाके दो मुझे दे दे। आपको पता, दिमाग को मनाना आसान होता है, पर शरीर को मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। दिमाग ही मान जाता है ना कि जैसे मुझे भूख लगा है और हम खाना खाएंगे, पर अभी खाना बनकर तैयार नहीं हुआ है, शरीर को भूख लगा है, पर दिमाग कहता रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, खाना आ जाएगा, खा ले। दिमाग ही रोकता है ना। और दिमाग यदि बदल जाए कि नहीं, मुझे पहले खाना, चाहे कुछ भी हो मुझे दो, तो उसे देना पड़ेगा, वह खाएगा। तो शरीर को मनाना कितना मुश्किल है, पर दिमाग को मनाना उससे थोड़ा आसान है, आसान है उससे थोड़ा। कोशिश करिएगा दोस्तों। अर्पना यादव, शायद मैं नाम भूल भी सकता हूं, पर ये ऐसी लड़की थी जिसने ट्रेन पर, वो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, वह लड़की क्या थी, वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। वह ट्रेन पर जा रही थी, रात का समय था, कुछ बदमाशों ने उसका चैन, सीकरी जिसे आप बोलते हैं, वो छीनने के लिए कोशिश किया। उस लड़की ने उसका विरोध किया, क्योंकि वह भी तो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, उसने विरोध किया तो कुछ
कुछ लड़कों ने, जो मनचला लड़का था, उसने उसे ट्रेन के नीचे फेंक दिया। वो गिर गई, उसका एक पैर कट गया, एक पैर भी पूरी तरह फ्रैक्चर था। लेकिन उसने ट्रेन पर वह रात भर पटरी पर वह गिरी रही, कोई नहीं बचाया, कोई नहीं था, अंधेरा सुनसान सा जगह, कोई नहीं बचाया। लेकिन कहते हैं ना, जिसमें हिम्मत हो ना, वह कोई भी काम कर सकता, वह कोई भी दर्द सह सकता। वह रात भर उस दर्द से तड़पती रही, चिल्लाती रही, पर कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह हुई, जब लोग वहां पर आए और उन्हें देखा तो फोन किया, कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में खून ही नहीं था, बेहोश करने वाला दवाई ही नहीं था, तब उसे कैसे बचाया जा सकेगा। तब उसने खुद से बोली, कोई बात नहीं, मुझे होश में ही मेरा पैर को काट दो। जब मैंने रात भर उस दर्द को झेला, जिस दर्द से आप डरते हैं, उस दर्द को मैंने झेला, तो सुबह आप अगर मेरा पैर काट भी दोगे तो मैं दर्द को झेल सकती हूँ। डॉक्टर ने अपना खून देकर उस लड़की का इलाज किया, होश में ही उसके पैर को काट दिया। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा, सोचिए जरा, क्या इससे भी भयंकर दर्द ब्राउन शुगर नशा में होता है? नहीं ना। तो आप कोशिश करें, ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक नशा से छुटकारा पा सकते हैं। उसी तरह दर्द ब्राउन शुगर नशा पीने वाले लोग को होता, उसी तरह का दर्द ब्राउन शुगर नशा पीने वाले लोग को होता। इस दर्द को उसने झेल लिया, क्या आप नहीं झेल सकते हैं? आप भी झेल सकते हैं, पर कोशिश आपको करना ही पड़ेगा। बिना कोशिश तो कुछ नहीं हो सकता। YouTube पर जब आप ब्राउन शुगर नशा के बारे में कुछ भी सर्च करेंगे तो वहां सिर्फ डॉक्टर का परामर्श, नशा मुक्ति केंद्र का विज्ञापन, डॉक्टर का विज्ञापन, दवाई का विज्ञापन, यही सब दिखता है। और वह ऐसे बताएगा या ऐसे सिखाएगा कि आप ब्राउन शुगर नशा को छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है, बिना दवाई का, बिना नशा मुक्ति केंद्र जाकर आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप इस नशा को छोड़ सकते हैं बिना कहीं जाए। चलिए, यह हमारा ब्राउन शुगर नशा छोड़ने का यह पहला एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड है। मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि आखिर ब्राउन शुगर के आगे पीछे की क्या कहानी है। अब आप कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे और ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक नशा से दूर हो जाएंगे। बस कोशिश आपको ही करना है, तभी आप इस नशा से छुटकारा पा सकते हैं। हम आपके लिए ब्राउन शुगर नशा को छोड़ने के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, लाएंगे। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे वीडियो को देखकर इस नशा से दूरी बना सकते। और हमारा यह पहला एपिसोड है, मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं ब्राउन शुगर नशा से छोड़ने वाला हर एपिसोड लेकर आऊंगा। कम से कम 50-60 एपिसोड होगा जिससे आप ब्राउन शुगर नशा को छोड़ने की कोशिश करेंगे और सफलता भी मिलेगी। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि मेरे पास कई ट्रिक है जिससे आप दर्द कम महसूस करेंगे और ब्राउन शुगर नशा से छुटकारा पा सकते हैं। आइए हमारे वीडियो पे बने रहिए, देखिए जल्द ही आप इस नशा से छुटकारा पाएंगे, यह हमारा वादा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स वेरी मच।